आंगनवाड़ी में कई सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा आदि। लेकिन ग्राम पंचायत से खोलकर ये तीन गांव का कहानी तो कुछ और ही है। ये हर आमादरहा गांव है, जहां दुई ठन आंगनवाड़ियां है जे हर हमेशा बंद रहे। तो तुम्हार गांव में आंगनवाड़ी है? आंगनबाड़ी है, लेकिन वो आंगनबाड़ी का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, कैसे कि वो पढ़ावे नहीं कर रहे। रोज दिन खुलतीस तब ना आंगनबाड़ी कहलातीस, हफ्ता में महीना में एक दो बार खुली तकर खुलबे नहीं करे, ससुराल में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ आवे नहीं करें। जब साहब मनाए वाला रहते ना, लेकिन बोलते हैं कि आओ यहाँ चेकिन चलत है, तो कराते हैं एक दो दिन वही लेकर माला अपन मन से हम भेजब ना, तो जाही अगर नहीं बोलाए कि लैका माला कि आवा एक कर के। नवा पारा में भी दो ठो आंगनबाड़ी है, जेमा से एक ठेहर खुलेल और एक ठेहर बंद रहे। तुम्हारा गर्भवती महिला माला मतलब कि खाना मिले लोकल बारे में जान था? नहीं जाना था, क्योंकि खाना के बारे में पता ही नहीं है, ना कोई बताई नहीं है, ना कभी मिलिस नहीं है, ना हम जानते नहीं है कि खाना मिले आंगनबाड़ी में। तो मजदूरा में है आंगनबाड़ी, लेकिन आज तक मोला एको दिन खाना खाए बो नहीं बोलेंगे। सखोली बारा के आंगनबाड़ी है खुले बर तो खुले, लेकिन यहाँ पौष्टिक आहार संबंधित कुछ नहीं मिले। अच्छा, तुमके कई महीना हुआ थे? चौथा महीना चला थे। तो आंगनबाड़ी में तुम्हें आज का काम मिली से खाए बाज ले? एक बार दलिया मिली से, दो टीका लगी से, आयरन का गोली मिली से, कैल्शियम वगैरह। तुम्हारा पता है कि गर्भवती महिला मन खाना खाए बद देते हैं? हाँ, वो तो पता है देते हैं, लेकिन हम उनके नहीं मिले से, सरकार से वहाँ से तो आते हैं, लेकिन इधर काहे नहीं मिलते। ये बतावा तुम्हारा कै महीना हुआ थे? आठवां महीना चला थे। तुम्हारा आठ महीना में आंगनवाड़ी में का मिली से पूरा पूरे चीज? कुछ नहीं मिली से अभी तक तो, बस वही सतुआ दो महीना मिली से बस। आवाज जान थी सही का, जबकि ये सबो सुविधा हर गांव कर लोग मन जग काबर नहीं पहुँचे। अच्छा, ये बतावा ये आंगनवाड़ी में रेडी टू फूड ईट मन काहे नहीं मिले? वही तो गांव वाला मन कहत हो कि तू मन खाए देता, तो समूहदारी मन नहीं गिरे तो हम कहा सतू वाला देव। तो ओमन का कहना है पाँच महीना में मुखे बस एक बार मिली से लाडू और दलिया, तो एक बारे में का कही है? पाँच महीना में? हाँ, तो वो ही गिराते नहीं रही समूहदारी में, तो ये मन सोचा था कि हम लखाए दे था, और मन गिरावे नहीं करें तो कहाँ से दे। आंगनवाड़ी हर ठीक से नहीं खुले कारण छः वर्ष से कम का लड़का मन गांव में घूमत रहते, और उकर पढ़ाई कर, स्वास्थ्य कर और शिक्षा देने वाला कोई नहीं आ है, जबकि ये हर लड़का कर अधिकार है। अच्छा, बता तुर कैठे लड़का है? दो थे। तो मन कहीं कहीं जानते पढ़े व आंगनबाड़ी? जाने यार, पढ़े ले आंगनबाड़ी तो जाते हैं, लेकिन का खाना उना देते हैं, खिचड़ी भात खाए के जाते हैं। तो तुर लड़का मैं एक दिन नहीं पूछे कि का पढ़ाते हैं बेटा? नहीं पूछो तो नहीं का पढ़े, तो जान दे तो बताएं, कहीं ना कहीं नहीं खाए कि सिर्फ खिचड़ी भात आ जाते हैं, का पढ़े पते नहीं, खेलत मारते थे घर। सखोली पारा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जग हमन शिक्षा के विषय में जानकारी लेहे गए, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के दोनों गायब हैं। सखोली, नवा पारा, बरकेला, इन सभी गांव में मैं जा जाकर पूछा, और मतलब गर्भवती महिलाओं से भी पूछा, लेकिन उन लोग बता रहे थे कि हम लोगों तो कभी वो बुलाए ही नहीं है, और इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं। क्या होता है अभी कृषि के समय में महिलाएं क्या है ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, अपने कृषि कार्य में उलझी रहती हैं, और अगर इस तरह की आप बात बता रहे हैं तो मैं बिल्कुल जांच करूंगी, और इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए सभी माताओं को, क्योंकि एक मई से योजना प्रारंभ हो चुकी है, तो अभी सभी माताओं को पता होना चाहिए, और आप विशेषकर इस गाँव के लिए बोल रहे हैं तो मैं वहाँ बिल्कुल भ्रमण करूंगी और मैं वहाँ देखूंगी, अगर इस तरह की कमी अगर हो रही है तो मैं इस पर कार्रवाई भी करूंगी। पहले तो आंगनवाड़ी खुलते नहीं, और खुल भी जाते तो गर्भवती और बच्चा मन पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाते, ऐसे में छोटे छोटे लड़का मन कर मानसिक और शारीरिक विकास कैसे हो। अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के संबंध में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी अथवा सूचना हमें अवश्य दें। हमारा नंबर है 8435300106 और 8358902305।